जैसा कि आप लोग जानते हो, हमारा देश एक लोकतंत्र देश है जिसमें अलग अलग धर्म, जाति और समुदाय के लोग रहते हैं। भारत की बात करें तो भारत में सबसे ज्यादा संख्या सनातन धर्म को मानने वाले लोगों की है। फिर दूसरे पे है इस्लाम धर्म। भारत की 94% जनसंख्या हिंदू और मुस्लिम है और बाकी के बचे सिख, ईसाई और बौद्ध धर्म जैसे अन्य धर्मों को मानने वाले लोग हैं। वहीं बात करें पूरी दुनिया की तो पूरी दुनिया में ईसाई धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है। फिर दूसरे पे इस्लाम और तीसरे पे है हिंदू धर्म। वैसे तो दोस्तों प्राचीन काल में हजारों धर्म हुआ करते थे, लेकिन जब से ईसाई और इस्लाम धर्म आए उसके बाद से कई धर्म धीरे धीरे विलुप्त हो गए। लोगों से ईसाई और इस्लाम धर्म जबरन कबूल करवा लिया गया। इस तरह कई धर्म विलुप्त हो गए और आज दुनिया भर में केवल 300 के आसपास धर्म बचे हुए हैं, जिनमें मुख्य रूप से 6 ही धर्म सबसे ज्यादा प्रचलित हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध और जैन धर्म। और बाकी के बचे धर्मों को मानने वाले लोगों की संख्या बहुत ही कम है, ना के बराबर। तो दोस्तों ये तो थे दुनिया के 6 सबसे बड़े धर्म। अब बात करते हैं इनमें से सबसे पुराना धर्म कौन सा है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं ईसाई धर्म की। दोस्तों ईसाई धर्म की शुरुआत ईसा मसीह के जन्म के बाद प्रथम शताब्दी यानी पहली सदी में हुई थी और आज ईसाई धर्म दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है। आज पूरी दुनिया की टोटल जनसंख्या 8 अरब है, जिनमें से 2.6 अरब ईसाई धर्म के लोग हैं, यानी 800 करोड़ लोगों में से 260 करोड़ लोग ईसाई धर्म को फॉलो कर रहे हैं, जो पूरी दुनिया की 32.5% आबादी है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे ज्यादा ईसाई आबादी है और इसके साथ ब्राजील, डेनमार्क, इंग्लैंड, ग्रीस, रोमन और जॉर्जिया जैसे 15 अन्य देशों में भी ईसाई धर्म के लोगों की संख्या सबसे अधिक है। अब बात करते हैं दुनिया के दूसरे सबसे बड़े धर्म के बारे में, जो है इस्लाम धर्म। दोस्तों इस्लाम धर्म एक ऐसा धर्म है जो सबसे तेजी से विकसित हुआ है, जहां ईरान, टर्की और इजराइल जैसे देश एक समय में पूरी तरह से ईसाई कंट्री हुआ करती थी और 18वीं शताब्दी के अंत में मुस्लिम समुदाय के लोग यहां आकर रहने लगे और धीरे धीरे इनकी आबादी बढ़ती गई और आज ये देश पूरी तरह से इस्लामिक कंट्री में बदल चुके हैं। और ऐसे एक नहीं बल्कि 51 से भी अधिक देश हैं जो पूरी तरह से इस्लामिक कंट्री बन चुके हैं। आज विश्व भर में 2 अरब यानी 200 करोड़ लोग ऐसे हैं जो इस्लाम धर्म को मानते हैं। बात करें इस्लाम धर्म की शुरुआत की तो इस्लाम धर्म की शुरुआत 7वीं शताब्दी में हुई। 570 ईस्वी में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म मक्का में हुआ और 613 ईस्वी के आसपास हजरत मोहम्मद साहब ने लोगों को अपने ज्ञान का उपदेश देना प्रारंभ किया और माना जाता है कि तभी से इस्लाम धर्म की शुरुआत भी हुई। वहीं बात करें दुनिया के तीसरे सबसे बड़े धर्म की तो वो है हिंदू यानी सनातन धर्म। सनातन का अर्थ होता है शाश्वत यानी सदा बने रहने वाला, जिसका ना ही आदि है और ना ही अंत। सनातन धर्म सभी धर्मों में सबसे पुराना धर्म है और इस बात के कई पौराणिक सबूत भी मौजूद हैं। दुनिया की प्रथम पुस्तक वेद मानस, जिसे ऋषि अग्नि, वायु, अंगीरा और आदित्य द्वारा रचित की गई थी, उसमें भी सनातन धर्म का वर्णन किया गया है, जिसका इतिहास 60,000 साल पुराना है। सनातन का पूरा नाम वैदिक सनातन वर्णाश्रम है। वैसे तो विश्व भर में हिंदू धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन नेपाल में सबसे ज्यादा हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं। फिर दूसरे पे भारत और तीसरे पे मॉरिशियस है, जहां सनातन धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या सबसे अधिक है और आज हिंदू धर्म काफी तेजी से लोगों के बीच प्रसिद्ध हो रहा है और लोगों का झुकाव हिंदू धर्म की तरफ बढ़ता जा रहा है, जिनमें रशिया जैसे देश हिंदू संस्कृति को काफी तेजी से फॉलो कर रहे हैं और वर्तमान में हिंदुओं की संख्या 1 अरब यानी 100 करोड़ से भी ज्यादा है, जिनमें से 80% हिंदू भारत में ही हैं। और नंबर 4 पर जो सबसे बड़ा धर्म है वो है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म की शुरुआत 483 ईसा पूर्व कुशीनगर भारत में गौतम बुद्ध द्वारा की गई थी। इस धर्म के बारे में लोगों के अलग अलग विचार हैं। कुछ लोग इसे जनसंख्या के मामले में सनातन धर्म से बड़ा बताते हैं, तो वहीं कुछ लोग इसे सनातन धर्म के बराबर या सनातन धर्म से छोटा बताते हैं। आज दुनिया के हर कोने में बौद्ध धर्म के अनुयायी रहते हैं, जिनमें चीन, जापान, वियतनाम, थाईलैंड, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया प्रमुख बौद्धिज्म वाले देश हैं और भारत, नेपाल, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, रूस, इंडोनेशिया समेत मलेशिया जैसे 20 देशों में भी बौद्ध धर्म काफी प्रचलित है।
और एक रिपोर्ट के अनुसार आज विश्व भर में 1.5 अरब यानी 150 करोड़ से भी ज्यादा लोग इस धर्म को फॉलो करते हैं, जिनमें से इस धर्म के 70 करोड़ लोग तो बस चीन, जापान और वियतनाम जैसे देशों में ही हैं और बाकी के बच्चे अलग अलग कंट्रीज में हैं। नंबर 5 पर है सिख। दुनिया भर में इस धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या 25 से 30 मिलियन यानी 2.5 से 3 करोड़ के आसपास है। सिख धर्म की स्थापना 15वीं शताब्दी में भारत के उत्तर पश्चिमी पंजाब प्रांत में गुरु नानक देव द्वारा की गई थी। आज इस धर्म को 500 साल का समय हो चुका है। भारत के पंजाब राज्य में सबसे ज्यादा सिख समुदाय के लोग रहते हैं और विदेशी स्तर की बात करें तो यूएसए के कनाडा में भी सिखों की संख्या सबसे अधिक है। और इस लिस्ट में नंबर 6 और आखिरी पर आता है जैन धर्म। जैनिज्म की शुरुआत लगभग 528 ईसा पूर्व भगवान आदिनाथ के समय से चली आ रही है और यही परंपरा भगवान महावीर के समय तक चलती रही, जो आज भी इसी तरह चली आ रही है। आपको बता दें कि विश्व भर में 1.5 करोड़ लोग जैन धर्म को मानते हैं, जिनमें से कुछ लोग तो खुद को हिंदू बताते हैं, इसलिए उनकी गिनती हिंदुओं में की जाती है। और वर्तमान में भारत में 50 लाख से भी ज्यादा लोग जैनिज्म को मानते हैं और सभी कंट्रीज में से सबसे ज्यादा जैन धर्म के अनुयायी भारत में ही रहते हैं। तो दोस्तों, ये तो थे कुछ सबसे प्राचीन और बड़े धर्म जिसे वर्ल्ड के 85% लोग फॉलो करते हैं और बाकी के बचे 15% लोग अन्य धर्म को फॉलो करते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें।